इसने अभी तक ध्यान नहीं दिया, इसका स्कूल चल रहा था और हम दोनों की बिल्कुल सेम ड्रेस, थोड़ा सा कलर अलग है इसका, थोड़ा मरून में है और मेरा रेड में है। ये मैंने अपनी एनिवर्सरी पे लिया था और दुपट्टा उल्टा पहना हुआ है मैंने। तो ये मैंने अपनी एनिवर्सरी पे लिया था और ये वाला सूट इसको बहुत पसंद आया था, तो हल्का सा डिफरेंट कलर में ये मैंने इसके लिए ले लिया। तो एकदम पहली बार है कि हम लोग इस तरीके से मैच कर रहे हैं कपड़े, ना फर्स्ट टाइम है, नहीं नहीं सेकंड टाइम है। वो जो ब्लैक कलर की ड्रेस है ना, जो मिडी है मेरी, वो भी हमारे पास है, लेकिन हमने दोनों एक साथ पहनी है कभी नहीं, एक साथ नहीं पहनी, एक साथ नहीं पहनी, फर्स्ट टाइम पहने ये ड्रेस एक साथ। हमारे पास कई सारी ड्रेस सिमिलर है, पिंक वाला सूट आपको और मेरा सेम है। हाँ, कई सारी चीज़ें ना थोड़ी सेम है, क्योंकि मुझे जैसे पसंद आती है तो मैं ले लेती हूँ इसके लिए भी। और क्या होता है ना कि इसको तो वहाँ पहनना होता है और मुझे यहाँ पहनना होता है, लेकिन इस बार ये ड्रेस मैंने इसके लिए लेकर रखी थी तो ये अभी मेरे पास ही थी, तो मैंने सोचा चलो साथ में बैठना है तो हम लोग सिमिलर टाइप के कपड़े ही पहन लेते हैं। और माता श्री थोड़ा नींद में है, वो अभी थोड़ा सो गई थी, उनको झपकी लग गई थी। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी वेडिंग एल्बम, जिसकी हालत बुरी हो चुकी है। एक्चुअली इसके साथ, बेचारी के साथ हो गया एक्सीडेंट, थोड़ा सा भीग गई है पानी में, तो इस पर गत्ता होता है ना वो थोड़ा सा स्वेल्ड अप हो गया, फूल गया है। मैं इसके अंदर दिखाती तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन हमने ना इससे निकाल ली है सारी फ़ोटोज़, बिकॉज़ अगर वैसे ही थोड़ा सा पानी पानी सा था, अगर वैसे ही हम छोड़ देते ना तो फिर अंदर वो कलर ट्रांसफ़र हो जाता है, चिपकने लगता है, तो इसीलिए इससे हमने निकाल ली हैं। अब या तो हम इसको अच्छे से सुखा के इसी में वापस रखेंगे या फिर मैं नया एल्बम खरीदूँगी। और ये एल्बम मम्मी के पास रखा हुआ था तो ये मम्मी लेके आई थी इस बार, और बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो हमने, ये नहीं है ना फ़ोटोज़, ये तो। और पता है मम्मी की शादी का कार्ड है अभी, मम्मी की शादी का, बहुत मतलब कितना पुराना है ये, कौन से सन की बात है, ये तो हिंदी में लिखा है मम्मी, हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। 23 जून को इनका विदाई थी, 22 जून की शादी थी और 21 जून की मातृ पूजन, मतलब 22 जून सन 1985 में, 22 जून सन 1985 में शादी थी और उसके 3 साल बाद मैं पधारी थी 88 में ना। हाँ, और फिर 9 साल बाद मैं, और फिर मेरे 9 साल बाद ये पधारी थी 97 में। हाँ, 97 ये मेरी फेवरेट फ़ोटो है, और ये सबकी फेवरेट फ़ोटो है। ये सबकी फेवरेट फ़ोटो इसीलिए क्योंकि पूरी शादी में ये एक ही जगह है जहाँ पे मेरे दांत दिख रहे थे, मतलब मैंने स्माइल किया था, थोड़ा सा हंसी थी, है ना। और वो पता है क्यों हंसे थे? हाँ। क्योंकि जीजू, आप जीजू को खाना खिला रहे थे और आप कैमरे में देख रहे थे। हाँ। और गलती से ना चम्मच उनकी नाक पे लग गया था, मुंह की जगह। हाँ? मैं वही खड़ी थी, मुझे याद था। अच्छा, ये देखो ये रही, तुम हो पीछे, ये रही श्वेता पीछे यहाँ पे, ये देखो। मैं भी बहुत हंसी थी। अच्छा, मैं उधर देख के खिला रही होंगी और नाक में चला गया। ओहो, तो ये वाली फोटो जिस टाइम मतलब जयमाला वगैरह पड़ गई थी और खाना खिला रहे थे एक दूसरे को। और ये इनकी सिंगल फ़ोटो है, मैं क्लोज़अप भी दिखाऊंगी ना, मैं बीच में डालती रहूंगी। तो ये सिंगल फ़ोटो है इनकी और ये सिंगल फ़ोटो है मेरी, ये दोनों हमारी सिंगल सिंगल फ़ोटो हैं कि हम लोग कैसे लग रहे थे। और मैंने ऑरेंज एंड रेड कलर का लहंगा ये चूज़ किया था अपने लिए, उस टाइम तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, अब तो मतलब अब तो खैर अलग ही चलते हैं, बट उस टाइम तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, यूनिक था, सुंदर लग रही हूँ यार मैं। और ये देखो, ये हमारी जयमाला की फ़ोटो है, मैं सारा क्लोजअप दिखाऊंगी, ये जयमाला हो रही थी उस टाइम की है। एक्चुअली उस रूम में ना बहुत भयंकर गर्मी लग रही थी क्योंकि फैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो हम यहाँ आ गए और विघन इतने आ रहे हैं ना, मेरी माइक की बैटरी भी ऑफ हो गई है, तो जो कैमरे में इनबिल्ड माइक है उसी से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आवाज ना उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आएगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ जयमाला की फोटोज, ये देखिए इस तरीके से, ये सारा वो जयमाला के बाद जो फोटोग्राफर लोग पोज दिला दिला के फोटो लेते हैं ना, ये सारी वैसी ही है। यहाँ भी मैं थोड़ा सा एक जगह मुस्कुराई थी, ऐसा नहीं है, खुल के नहीं हंसे, इतना बोलते रह गए ना आपको कि हंसो हंसो, आप हंसे ही नहीं।
यार डर लग रहा था यार। ऐसा लग रहा है किसी ने मार के बिठा दिया। एक्चुअली एक तो ना मेरा जो मैंने लेंस पहना था एक आंख में वो मेरा लेंस फट गया था, वो पहनने निकालने में फट गया था। इतना मेरे को इरिटेशन हो रहा था, ऐसा लग रहा था नाक में आंख में कोई नुकीली चीज घुसी हुई है। और उतना अनकंफर्टेबल में मेरे को इतनी बुरी हालत हो रही थी ना, मेरी बार बार आंखें ब्लिंक हो रही थी बार 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 बार। यही बोल तो रहे थे चेतू, कह रहे थे कि सब में आंख बंद कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से आंखें खोल ली गई हैं खोल खोल के हमने किया, की वजह से मेरे को इतना परेशानी हो रहा था जिसको कोई जवाब नहीं। वो लेंस साइड से फट गया था। अच्छा, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। जब ऐसा हो जाता है ना तो फिर बहुत वो लगता है। ये मम्मी के साथ में फोटो है, ये और जयमाला की, ये हमारी फैमिली फोटो, मतलब पापा को आप लोग देखना चाहते थे ना, ये मेरे पापा हैं, मम्मी और श्वेता, मतलब ये पूरा फैमिली हो गया यहाँ पे। और ये हमारा मतलब मेरे साइड का पूरा फैमिली है, मेरी बुआ है इसमें, छोटी बुआ, बड़ी बुआ, तीन बुआ है मेरी, तीनों है इसके अंदर, पापा और बुआ के बच्चे, मेरी दादी हैं, दादा नहीं है इसमें। और ये हस्बैंड के सारे जो दोस्त हैं वो दोस्त पार्टी है इनकी, पूरे सारे इनकी तरफ के सब लोग हैं। जयमाला की ये सारी फोटोज, कितने अलग लग रहे हैं हम दोनों। और ये श्वेतड़ा हमारी, कितनी छोटी थी उस टाइम, देखिए इसको, बहुत छोटी सी थी, 11 साल की थी ये। ये जयमाला के समय जो फोटोज खींचते हैं वो सब है। ये मेरी बुआ हैं और ये भी अभी इस दुनिया में नहीं है, ये इनकी बेटी है और ये हस्बैंड है। हाँ, ये बीच वाली बुआ है ना, बड़ी बुआ से छोटी मझली बुआ है ये। यहाँ पे ये सारा इनका फ्रेंड्स का ग्रुप है, इनका कॉलेज का फ्रेंड्स का सारा ग्रुप था ये, तो ये सारे इनके फ्रेंड्स हैं। ये जो ये हमारे मतलब ससुर जी हैं ना, उनके सबसे बड़े भाई हैं, ये सबसे छोटे भाई हैं, चार भाई हैं ना पापा लोग, और ये इनका बेटा है, और ये मेरे मामा जी हैं। यहाँ पे ये मेरी सबसे छोटी बुआ हैं, और ये जो बुआ मैंने अपनी मंजली बुआ पहले बताया ना, उनकी देवरानी और उनकी ये बेटी, ये श्वेता देखो गोदी में चढ़ के बैठी हुई है, और ये मम्मी, और ये कौन था, ये बुआ का बेटा है क्या, ये किसी का बेटा था, बहुत पूरी हाँ, फोटो में ये है। ये बार बार स्टेज पे चढ़ के खड़े हो जा रहे थे ना, सबसे छोटे जो देवरानी है ना, हाँ उनके कमला की देवरानी सबसे छोटी, ये बहुत सारी फोटोज में है, इसको इतना मजा आ रहा था, ये सब फोटो में फोटो ये और ये चाची। हाँ ये चाचा चाची, ये मेरी तरफ से हैं, और ये बीच में बैठी हुई है ये लड़की श्वेतड़ा। और ये फेरे के टाइम की तो हो गई ना सब, अब ये हैं हमारी, जब हमारे फेरे और ये सब हो रहे थे तो हमारे में चेंज कर लेते हैं, पेरी पहनते हैं, तो ये पेरी पहना हुआ है मैंने, मतलब पीला वस्त्र जो मामा के यहाँ से आता है ना, पेरी बोलते हैं ना इसको, तो ये पहन करके मंडप के नीचे की है ये फेरों के टाइम की है। ये भी देखिए फेरों के टाइम की, कितने मासूम लग रहे हैं ये, क्या कह रहे हो, पर हैं नहीं मासूम तो हैं, कुछ ज्यादा ही मासूम लग रहे हैं इसमें। ये बुआ मेरी, ये सब आस पड़ोसी हैं, ये श्वेता, ये सबसे छोटी बुआ, और ये इनकी बेटी, बुआ की बेटी है, और ये कन्यादान का है, ये मेरे पापा हैं, मैं और पतिदेव, तो कन्यादान का। ये वाली रस्म बड़ी मजेदार थी, गठबंधन जो होता है ना वो हो रहा है यहाँ पे। ये मम्मी करती है या माँ करती है, ये पापा को कहा, हाँ जैसे कि बुआ करती, अच्छा करती है, बुआ हुआ भी करती है ना, पापा मम्मी, और ये मैं इस एंगल से लिया ये फोटो, ये हो रहा है कन्यादान। ये कन्यादान की है सारी संकल्प,
ये क्या कर रहे हैं मम्मी? हाथ पीले करते हैं ना मंडप के नीचे। अच्छा, ये पंडित जी इतने फास्ट थे ना, बहुत जल्दी शादी करवाई ना, पता नहीं कहाँ की जल्दी थी बड़ी जल्दी जल्दी शादी करवाई इन्होंने। सब बोल रहे थे कि बड़ी फटाफट शादी करे, करवाया इन्होंने सब कुछ, ऐसा नहीं कुछ छोड़ा, लेकिन शादी बहुत जल्दी जल्दी, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये क्या हो रहा है मम्मी? ये पापा कुछ मेरे को दे रहे हैं। ये जो ना कहते हैं कि लड़की का अंगूठा पकड़ के लड़का खा लड़के, लड़के को दे। हाँ, अच्छा, कन्यादान का पार्ट होता है, कन्यादान का पार्ट होता है। लड़की का अंगूठा पकड़ के कहें कि लड़का खास में दे के वो कर। और ये सिंदूर दान, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र पहनाना तो इनका जिंदगी भर याद रहेगा। मंगलसूत्र एक हाथ में पकड़ लिया और एक हाथ खाली डाल रहे हैं और दोनों तरफ एक ही में पकड़े हुए हैं। अच्छा। और बार बार वही कर रहे हैं सब लोग इनको समझ नहीं आया कि मतलब मैंने एक दो हाथ में पकड़ा ही नहीं हुआ है नर्वस आ गए थे का ये फोटो जीजू को भी दिखाऊंगी, उनका रिएक्शन भी शूट। ये वाली तो मेरी फेवरेट रस्म है। ये वाली एक रस्म होती है जिसमें क्या होता है कि हस्बैंड, मतलब कन्यादान वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, सिंदूर दान भी हो गया, तो हस्बैंड ही हो गए, तो ये क्या करते हैं, जो पल्ला होता है ये उठाते हैं और जो जेठ होते हैं मतलब हस्बैंड का जो भाई होता है, बड़े भाई होते हैं, वो पल्ले को नीचे करते हैं। हाँ। तो तीन चार बार किया जाता है, तीन बार किया जाता है, तीन बार ये उठाते हैं और ये उसको नीचे करते हैं, ढकते हैं। और ये शादी हो चुकी है। ये ससुर जी, ये ससुर जी, ये मेरे दादाजी हैं, पीछे भी है फोटो में। हाँ, ये दादाजी हैं, ये मेरे ससुर जी हैं जिनसे तो आप मिले हो बहुत बार। ये रहे दादाजी, ये दादा, ये दादी मेरे, वाले दिखा दे जो सूप वाले। वो ये रही। तो ये है विदाई की। विदाई में मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी बनारसी, और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। अभी तक इसका कलर ऐसा है ना कि एवर ग्रीन है, मुझे भी बहुत पसंद है। इसका कलर ऐसा मतलब हुआ ही नहीं कि इसको मुझे लगता है आज से 20 साल बाद भी पहन सकते हैं। ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है। और नथवत भी पहनी थी मैंने, क्लोजअप नथ आगे दिखेगी। और ये सब वही विदाई की तैयारी हो रही है। पापा, ये मम्मी, ये मैं। पापा गले मिलके रो रहे हैं। ये मेरा लुक था। और ये बारात की। तो बस यही था, मैंने काफी सारी फोटोज दिखा दी हैं। बहुत सारी ऐसी फोटोज हैं ना जिनमें बहुत सारे लोग एक साथ गैदर हैं, उस टाइप की फोटोज फिर मैं ऐसे पब्लिकली नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन जो हमारे मेन मेन लोग हैं जिनके साथ में हमारी फोटो है वो सब मैंने सब लगभग आपको दिखा दिए हैं। और मतलब जैसे बुआ हो गई, चाचा लोग हो गए मेरे साइड के, इनके साइड के, वो सब मैंने आपको दिखा दिया है। और जो मेन मेन इवेंट्स होते हैं लाइक सिंदूर दान, जयमाला और फेरे वेरे, वो सब भी मैंने दिखा दिए हैं विदाई। तो बताइएगा आपको कैसी लगी एल्बम, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर। और कौन सी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय बाय।